टेररिज्म से लड़ने के लिए पूरी दुनिया कोशिश कर रही है। हर कंट्री अपने सोल्जर्स को टेररिज्म से लड़ने के लिए तैयार करती है, जिससे कि नॉर्मल पब्लिक सेफ रह सके। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी नॉर्मल पर्सन ने अपनी फैमिली मेंबर्स की जान बचाने के लिए खुद टेररिस्ट से लड़ाई की हो? नहीं ना। तो आज हम आपको रुखसाना कौसार जी की कहानी के बारे में बताएंगे, जिन्होंने अकेले ही टेररिस्ट का सामना किया और उनसे लड़ाई की। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लामडिया। होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड एंजॉयिंग द डे। बात 11 साल पहले की है, जब रुखसाना कौसार अपनी फैमिली के साथ रजौरी में रहती थी। उस वक्त रुखसाना सिर्फ और सिर्फ 27 साल की थी। उनके घर में लश्कर-ए-तैयबा टेररिस्ट ग्रुप के 3 आदमी घुस आए थे। रुखसाना का घर एक रिमोट विलेज में था, जहाँ पर जल्दी से हेल्प मिलना आसान नहीं था। इन तीनों टेररिस्ट ने उनके घर में घुसकर उनके फैमिली मेंबर्स को बुरी तरीके से पीटना शुरू कर दिया था। ये सब देखकर रुखसाना एक कॉट के नीचे छुप गईं। लेकिन जब उनसे देखा नहीं गया कि उनके फैमिली मेंबर्स को इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, तो उन्होंने एक स्टैंड लिया और वो कॉट से बाहर निकलकर उनके कमांडर अबू ओसामा पर कुल्हाड़ी से अटैक किया। उसके बाद वो अबू ओसामा को उसी की गन से शूट कर देती हैं। उसके बाद अबू ओसामा की टीममेट्स की गन छीनकर अपने भाई को दे देती हैं। रुखसाना के कार्य को देखकर उनकी फैमिली मेंबर्स भी उनको ज्वाइन कर लेते हैं मिलिटेंट से लड़ने के लिए। उसके बाद उनकी फैमिली से डर कर सारे मिलिटेंट्स भाग जाते हैं। रुखसाना कौसार जी की स्टोरी हमें इंस्पायर करती है कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कार्य नहीं खोना चाहिए। आज की यंग वुमेन और गर्ल्स के लिए ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, जिसे कि वो खुद भी सेल्फ डिफेंस कर सकें। रुखसाना जी की इसी बहादुरी भरे एक्ट की वजह से उन्हें उनके होम टाउन रजौरी में पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया था। इसके साथ ही साथ रुखसाना को उनके करेज के लिए कीर्ति चक्र से भी ऑनर किया गया था। आज भी रुखसाना जी को आर्मी में बहुत रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है और वहाँ के लोग उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं। उनकी सबसे बड़ी फॉलोअर उनकी 10 साल की बेटी है, जिसका नाम मिसबा कबीर है, जो कि आगे चलकर अपनी माँ के नक्शे कदमों पर चलना चाहती हैं और उन्हीं की तरह स्ट्रॉन्ग और करेजस बनना चाहती हैं। रुखसाना खुद कहती हैं कि वो चाहती हैं कि उनकी तीनों बेटियां एक टेरर फ्री एनवायरमेंट में रहें और बड़ी हों। वो कहती हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत से चैलेंजेस, बहुत सी कठिनाइयां देखी हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि उनकी बेटियां एक सेफ वर्ल्ड में रहें और आगे चलकर एडुकेटेड और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने। रुखसाना जी की शादी कबीर हुसैन से हुई थी, जो कि रजौरी में ही असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं। इस इंसिडेंट होने के बाद ही उनके भाई और उनके अंकल ने भी पुलिस सर्विस ज्वाइन कर ली थी। रुखसाना को उनकी ब्रेवरी के लिए बहुत से अवार्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि कीर्ति चक्र अवार्ड, नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, सरदार पटेल अवार्ड एंड आस्था अवार्ड। सितंबर 2009 में हुए इस इंसिडेंट के बाद से उन्हें बहुत से थ्रेट्स भी मिला करते थे। इस वजह से कुछ सालों के लिए उनकी फैमिली को पुलिस प्रोटेक्शन भी ऑफर किया गया था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि ग्लामडिया से आपको नए वीडियो का पता चलता रहे। कमेंट करिए एंड हाँ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। एंड इसी के साथ ग्लामडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय।